ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी इको सीएनजी है, 5 सीटर एसी, एसी वाली है, सीएनजी वेरिएंट है। अब इस गाड़ी में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पहले ही दिख गया होगा कि भाई इसके अंदर एलॉय लगी हुई है, और जबकि एलॉय नहीं आती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो अलग से लगाई गई है, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, इसके अंदर चारों एलॉय जो है अलग से डाला गया है। तो उसका कितना प्राइस होगा, बाकी ये गाड़ी कितने की कंप्लीट पड़ने वाली है, सारी डिटेल्स आप इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सामने का जो बम्पर है यानी कि यह आपका इसरास रहेगा, और यहाँ पर आप चाहें तो वो आफ्टर मार्केट आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा, ग्रिल इस तरह से मिलेगी, सेंटर पर इसकी बैजिंग भी रहेगी, ग्रिल कुछ इस प्रकार रहेगी, हेडलाइट यहां पर इस प्रकार का मिलने वाला है, काफी अच्छा 60x55 का 12 वोल्ट पे पायलट लाइट ब्लिंकर आपको बल्ब मिल जाता है। और इस गाड़ी का हम आपको फुल रिव्यू देने के साथ साथ ऑन रोड प्राइस और दूसरा डाउन पेमेंट भी कम से कम बताएंगे कितना भर के आप ले सकते हैं। तो दो वाइपर और वाशर यहां पर आपको मिलेगा, सीएनजी की ब्रांडिंग रहेगी। तो सामने का कांच ग्लास कुछ इस प्रकार का, ओआरवीएम साइड मिरर इस प्रकार का रहेगा, डोर वाइजर देखिए इस गाड़ी के अंदर पूरा लगा चुका है, और नए स्टिकर्स इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पूरा इको स्टार इस तरह से रहेगा, ब्लिंकर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर भी रहेगा, और इसके अंदर एलॉय मिल जाती है डायमंड कट में एलॉय, वो भी इंस्टॉल की गई है। जेके का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, 155x13 इंच का इसके अंदर मिलेगा आपको इस जो है डायमंड कट में एलॉय, देख रहे हो आप 13 इंच का चारों, और ये कीमत लगभग इसकी आपको होने वाली है 24,000 रुपये। बाकी जो है इस तरह से देख सकते हैं इसका फुटरेस कुछ इस प्रकार का रहेगा, और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा सीएनजी स्टॉलेट कंपनी फिटर रहेगा। रियर में भी आप देखते हैं इको स्टार यहाँ पर लिखा रहेगा, और ये देखिए डायमंड कट में एलॉय, पीछे दो ड्रम ब्रेक, आगे दो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है, मड फ्लैप भी लगाया गया है, डोर वाइजर लगे हैं, और ये गाड़ी पीछे से कुछ इस तरह से दिखने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए नया यहाँ पर आपका ये पूरा टेल लाइट का सेटअप रहेगा, रिवर्स लाइट, इंडिकेटर, ये आपका ब्रेक लाइट, इको की ब्रांडिंग, पीछे सीएनजी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एस की बैजिंग के साथ आपका मिल जाता है। और उसके बाद ये देखिए बोट स्पेस, चारों स्टील व्हील यहाँ पर रखी गई है, देख सकते हो आप पूरा, ठीक है, सीएनजी भी यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर सोनी का ये म्यूजिक सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, गजब का आवाज़ दे, ये पूरा इंटीरियर कुछ इस पर कर रहेगा, चारों स्टील व्हील है जो कंपनी से लग की आती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर पे इसकी बैजिंग, यहाँ पर भी आपका बढ़िया टेल लाइट का जो सेटअप है वो नया वाला ही मिलेगा, और पीछे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर भी रहता है। यहाँ पर भी इको स्टार की ब्रांडिंग बढ़िया पूरा इस तरह से देख सकते हैं गाड़ी, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एलॉय आपको मिल जाती है फुटरेस इस प्रकार का, और अब यहाँ पर देखेंगे बीच में कितनी जगह आपको मिल जाती है तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए लेग रूम, 3-4 लोग आराम से बीच में बैठ सकते हैं, दो हेडरेस्ट दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी चीज़ें इस तरह से, ये इसका एक्सेसरीज दिया गया है जो भी लगा है या निकला है, और इसका जो विंडो है वो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैन्युअली दिया गया है, ये आपका पावर नहीं रहेगा, और बंद करते हैं ठीक से। अब यहाँ पर देखेंगे तो डोर के हैंडल आपको ब्लैक कलर का ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, ये 1000 सीट यहाँ से है, डुअल टोन फिनिश का इंटीरियर मिलेगा, ये रहा इसका मेन डोर, यहाँ पर देखेंगे तो चारों आपका मैनुअली विंडो रहेगा, ये डोर का लीवर हैंडल इस प्रकार का, यहाँ पर फ्यूल से सीएनजी कर सकते हैं, हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं, एसी बंट बढ़िया मिलेगा, यहाँ पर स्पीकर आपको मिल जाता है, दो जगह दी गई है, और स्पीकर इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है सोनी का, यहाँ पर एसी हीटर मिलेगा, यहाँ पर एसी वेंट है, ये आपका 1000 स्विच है, स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल इसके अंदर नहीं मिलता है, सबसे पहले आप समझ लीजिए इस वाले वेरिएंट में। दो एयरबैग आपको मिल जाते हैं, लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से इसका कंसोल मिलेगा, ठीक है। बाकी बहुत ही जल्द इसमें नया वाला कंसोल मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, उस वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जो सेलेरियो में लगा है, सेलेरियो का अगर आपने देखा तो देख लीजिए, उसमें नया वाला कंसोल आ चुका है, वही इसके अंदर भी आने वाला है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का ऑप्शन यहाँ पर, सीट कुछ इस प्रकार की, आगे का बोनेट यहाँ से खुलेगा, और उसके बाद ये चलिए बैठ के आपको दिखाते हैं इसके अंदर का। यहाँ पर आपका ये 5 गियर मैनुअल गियर लीवर, ये आपका हैंड ब्रेक बढ़िया पूरा इस तरह से, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम, 12 वोल्ट का सॉकेट, फोन रखने की भी जगह है, एसी हीटर सारी चीज़ें यहाँ पर, दो एयरबैग, स्पीकर इस तरह से पूरा डैशबोर्ड, आईआर भी हम बढ़िया, लाइट भी अच्छी मिल जाएगी, ये सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी ये सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन, हैंडल कुछ इस प्रकार का, सीट कवर काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग चुकी है, इंटीरियर यहाँ पर ऐसा रहेगा। चलिए दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर यह डिफॉगर वाइपर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आपका हेडलाइट एडजस्ट हो जाएगा, ये जो मॉडल है ये आप देखते हैं इको 5 AC CNG, ठीक है, या 5 सीटर AC CNG है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इस प्रकार का इंटीरियर रहेगा इस गाड़ी का, तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर फिलहाल मिलने वाला है इस गाड़ी का भाई, कोई चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से बढ़िया ही रहने वाला है। अब दूसरी साइड से दिखाते हैं, फिर आपको इंजन बताते हैं कितने CC का रहेगा,
और माइलेज क्या निकल के आएगा इस गाड़ी का। अब ये देखिए मेन डोर जो है वो दूसरी साइड का कोर ड्राइवर, ये भी आपका सेम टू सेम रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए एसी वेंट, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर एयरबैग, यहाँ पर और ये आपका ग्लोव बॉक्स दिया गया है और स्पेस कुछ इस तरह से इसके अंदर का मिलने वाला है। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये चीज़ जो है ना, ये आपका डुअल टोन का जो इंटीरियर है ये बहुत ही बढ़िया दिया है कंपनी ने। बाकी अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन और प्राइस का। तो इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1200 सीसी फोर सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा और मैक्सिमम पावर 80.46 bhp का और मैक्सिमम टार्क 111.7 nm का। माइलेज आपको 25 से 26 का देगी, सीएनजी है तो ये आपका 34 का माइलेज आराम से दे देगी ये गाड़ी, 34 का माइलेज सीएनजी में निकाल के देगी। डाउन पेमेंट की बात करें तो सिर्फ 1 लाख में आप इस कार को खरीद सकते हैं। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं 7,38,000 रुपये में पड़ेगी और एलॉय को छोड़ के, ठीक है, एलॉय की प्राइस आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो 7,38,000 ऑन रोड प्राइस में पड़ेगी और सिर्फ 1 लाख में डाउन पेमेंट भर के आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।